Yo, what's up guys, this is Abhishek. आज के इस वीडियो में लेके आप लोग के लिए Micromax In 1 का स्क्रीन स्क्रैच टेस्ट. जी हाँ, ये कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं वेपन्स है. इससे हम स्क्रीन को स्क्रैच करके देखेंगे कितना यहाँ पे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आप कुछ फ़ोन के ऊपर कुछ गिरता है या फिर कुछ हो, मतलब स्क्रैच आता तो जल्दी से स्क्रैच पड़ता है या नहीं, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो वीडियो को एंड देखना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. बताया फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करेंगे स्क्रीन स्क्रैच टेस्ट Micromax In 1 का, जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ है. और एक चीज मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो टेस्ट है ये यहाँ पे स्क्रीन फोड़ने का टेस्ट नहीं है. स्क्रीन फोड़ने का टेस्ट अगर आपको देखने का है तो आप लोगों को गुप्ता जी का वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो जाके उसको जाके चेकआउट कर लो. वो वहाँ पे एक्सट्रीम टेस्ट किया गया है. ये यहाँ पे टेस्ट इसलिए किया गया कि अगर आपके फोन पे कुछ हल्का सा समझो ऐसा कुछ गिर जाता है तो आपका फोन सर्वाइव करता है कि नहीं. तो डे टू डे लाइफ यूसेज के लिए कुछ फोन पे गिरता है, समझो आप अगर पॉकेट में रखते हैं कुछ कीज के साथ, तो वहाँ पे स्क्रैचेस पड़ता है या नहीं, तो उस इंटेंशन से मेरा वीडियो बनाने का था. बाकी फोन को अगर फोड़ना हो तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगेगा फोन को फोड़ सकता हूँ, पूरे तरीके से तहस नहस कर सकता हूँ. बट यहाँ पे मैं एक एवरेज यूजर की बात कर रहा हूँ. अगर एवरेज नॉर्मल जिस तरीके से मैं यूज करता हूँ उस तरीके से कोई भी अगर Micromax का In 1 खरीदता है और उस पर कुछ गिरता है तो वो जल्दी ब्रेक होता है या नहीं, किस तरीके से उसका ड्यूरेबिलिटी मिलता है, वो यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले हम यहाँ पे Micromax In 1 का ओवरव्यू दे देता हूँ. 6.67 इंचेस फुल HD स्क्रीन ऊपर की तरफ, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल और यहाँ पे फ्रंट कैमरा, नीचे की तरफ हल्का सा बेजल्स देखने को मिलता है. बैक पोस्चर कुछ इस तरीके से मिलता है. 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर, नीचे की तरफ इनका ब्रांडिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलता है. तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी है यहाँ पे. अब यहाँ पे ये जो बता दूँ, ये जो स्क्रीन है ये फ्रेंड फुल HD 1080p रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है. जो प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है वो है रेनबो ग्लास प्रोटेक्शन. अब ये यहाँ पे नया बोल सकते हैं कंपनी का प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है. ये बताया जा रहा है जो रेनबो ग्लास प्रोटेक्शन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के सिमिलर है यहाँ पे. तो जिस तरीके से उसका यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी जितना वो देता है उतना ही आप ये रेनबो का ग्लास प्रोटेक्शन में ड्यूरेबिलिटी देगा. तो फिलहाल हम यहाँ पे नाइफ लेंगे और इससे यहाँ पे स्क्रैच करेंगे. बट उससे पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये देख लीजिए फ़ोन में एक भी स्क्रैचेस कुछ भी नहीं है. देख लो, वरना आप लोग बोलोगे पहले से कि ये तो स्क्रैच आया. देख लीजिए कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा फ़ोन एकदम न्यूली पैक यहाँ पे फ़ोन है. अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसे ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ यार, कॉर्निंग गोरिल्ला 3 पे इतना इजीली स्क्रैचेस भी पड़ते नहीं है. 5 तो और ही अच्छा और विक्टर्स तो भाई सबसे बेस्ट यहाँ पे है. बट इतना जल्दी आप लोग को स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, डीप स्क्रैचेस या फिर नॉर्मल हल्का फुल्का अगर आप बहुत ज़्यादा ही कोई शार्प ऑब्जेक्ट या फिर सैंड अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ सकता है. बट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं कितना भी ज़्यादा रब कर लूँ यहाँ पे इसकी स्क्रीन पे स्क्रैचेस नहीं पड़ने वाले हैं फ्रेंड्स. यहाँ पे देख लीजिए, तो ये देख लीजिए कि इतना भी यहाँ पे मैं कर लूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए ये जल्दी नहीं पड़ने वाले हैं. तो ये नाइफ से तो हो ही गया. यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए एक भी स्क्रैचेस आप लोगों को इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे. तो ये कुछ इस तरीके से. अब यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे ये जो पाना है और इससे हम हिट करेंगे थोड़ी देर तक, देखते हैं किस तरीके से आउटपुट मिलता है. तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी के साथ हिट कर रहा हूँ वो काफी ज्यादा फ्रेंड स्ट्रांग है यहाँ पे. Your phone has no SIM card. तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटेंसिटी से मैंने हिट किया, अच्छा खासा इंटेंसिटी था यहाँ पे. अब यहाँ पे देखते हैं फोन एकदम परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है यहाँ पे, कोई भी इशू नहीं एकदम. देख लीजिए स्क्रीन बेस्ट रनिंग कंडीशन में यहाँ पे चल रहा है. अब यहाँ पे ये जो स्क्रूज है ये बहुत ही हैवी स्क्रूज है फ्रेंड्स, इसे हम यहाँ पे 5 बार इस पर गिराएंगे, देखते हैं कैसा आउटपुट मिलता है. तो ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम. तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने स्क्रूज से भी देख लिया और यहाँ पे देख लीजिए एकदमली परफेक्टली रनिंग कंडीशन में यहाँ पे चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे. तो स्क्रीन एकदमली परफेक्टली फाइन कर रहा है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा ये स्मॉल हैमर, इससे हम यहाँ पे हिट करके देखते हैं कैसा आउटपुट मिलता है.
तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से इतने बार मैंने हिट किया और फोर्स भी अच्छा खासा था फ्रेंड्स। यहाँ पे देख लीजिए, मैं जैसे बता दिया फ्रेंड्स, मेरा स्क्रीन को फोड़ने का मतलब इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे नॉर्मल मैंने बताया कि किस तरीके से अगर हल्का सा ज़्यादा प्रेशर अगर आप लगाते हैं तो उसमें आप लोगों का फ़ोन किस तरीके से आउटपुट देता है। तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स का इन वन स्क्रीन स्क्रैच टेस्ट में हमारा सक्सेसफुल रहा, थम्स अप मैं दूंगा। तो आप लोग बताओ कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में, और इसके ऊपर आपको कौन सा वीडियो और चाहिए वो भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, बन रहे टेक्नोलॉजी चैनल के साथ। बोलती है जय हिंद, पीस आउट।